हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग ये देखते हैं कि कैसे किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक नंबर 4 लिया और हमें 4 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। 4 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना बड़ा ही आसान है। 4 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड करने के बाद हमें एक नंबर मिलेगा 2। तो इसका मतलब है कि 2 इसका प्राइम फैक्टर है। इसके बाद नंबर को हमने जब डिवाइड किया तो 2 बचा हमारे पास, तो 2 फिर से 2 से डिवाइड हो जा रहा है और इसके बाद हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 अगेन इसका प्राइम फैक्टर है। तो 2 और 2 हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए इस नंबर के। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास एक गिवन नंबर है और हम उसको लगातार 2 से डिवाइड करते रहें जब तक कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या हमारा नंबर 1 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ये प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो एक तो हमने ये कंडीशन देखा। इसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर जो है वो 6 है और 6 का हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर 3 आता है और 2 हमारा एक प्राइम फैक्टर हो गया। ये जो 3 आंसर हमारा आया है और 3 डिवाइड को अगर हम डिवाइड करें फर्दर 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट नंबर 3 से इसको डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं और ये डिवाइड होके हमें एक नंबर 1 देता है। इसका मतलब 3 भी एक प्राइम फैक्टर है और चूंकि आंसर 1 आ गया है डिवाइड करके, इसका मतलब हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। 2 और 3 ही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक नंबर लिया 18 और 18 का हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो वी गॉट 9। इसका मतलब 2 इसका प्राइम फैक्टर है। फिर हमने जब 9 को 2 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर 3 से इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे और ये डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब 3 इसका प्राइम फैक्टर है। डिवाइड करके या 3 से डिवाइड करके अब हमारे पास 3 बचा है। इसको हम फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि ये 1 आ जाएगा और ये डिवाइड हो जा रहा है नंबर, तो 3 भी प्राइम फैक्टर होगा। चूँकि हमने 1 ऑब्टेन कर लिया इसलिए हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए 2, 3, 3 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम जब 2 से सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ले रहे हैं देन हम 3 से डिविजिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 36 और 36 को हमें टेस्ट करना है, 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18। 2 इसका प्राइम फैक्टर हुआ। 18 को हम जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 9 आया और 2 इसका फर्दर प्राइम फैक्टर हो गया। 9 को अब हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, इसका मतलब 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं करना है। फिर 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। देन 3 को हम फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आया। तो 2, 2, 3, 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर हम इस 36 की जगह 54 एक नंबर ले लें जिसका हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 27। 2 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। फिर हमने 27 को डिवाइड किया है 3 से तो हमारा 9 आया आंसर, इसका मतलब 3 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। 27 2 से फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा इसीलिए हमने इस तरह का टास्क किया। फर्दर अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 प्राइम फैक्टर हो जाएगा। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 3 भी प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो 2, 3, 3, 3 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। जब हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते समय हमें कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर पिक किया है 135 और 135 का हम प्राइम फैक्टर चेक कर रहे हैं। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब हमने 3 से इसको डिवाइड करने की कोशिश किया तो ये डिवाइड हो गया और 45 आंसर आया, तो 3 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। फिर हमने इसको 3 से फर्दर डिवाइड करने की कोशिश की, ये डिवाइड हो गया और 3 प्राइम फैक्टर हम फिर से मान लिया हमने। इसको हम 3 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 आंसर आएगा, 3 फिर से प्राइम फैक्टर हो गया। अब चूंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर, तो हम नेक्स्ट नंबर 4 से डिवाइड नहीं करेंगे इसको। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने 2 से डिविजिबिलिटीज की टेस्ट कर ली है। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, और अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि
ये टू के जितने मल्टीपल्स हैं उसको हम अब टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी लर्निंग है यहाँ पे कि हम जब भी किसी नंबर की टेस्टिंग कर रहे हैं, प्राइमलिटी टेस्टिंग, इसको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, तो अब हम टू के मल्टीपल्स को भूल जाएं, अब केवल हमें ऑड नंबर से इसको टेस्ट करना है। सो 5 को हमने 5 से डिवाइड किया है, डिवाइड हो गया है, इसलिए 5 भी इसका प्राइम फैक्टर हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा ये बात कि हम टू के फैक्टर्स जो हैं हम सब एक साथ देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि फर्दर हम टू के मल्टीपल्स को नहीं देखेंगे। कुछ और नंबर्स लेके देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया 145। अब 145 को अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो चूंकि हमने 2 को डिवाइड कर लिया है, इसका मतलब 4, 6, 8 इससे डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब हम केवल ऑड नंबर्स को टेस्ट करेंगे। तो 3 के बाद अब हम इसको 5 से टेस्ट करेंगे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब हमने 5 से इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर 29 आया, ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए 5 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। नाउ अभी हमने जिस नंबर से इसको डिवाइड किया है वो 5 है, और नेक्स्ट नंबर जिससे हमें डिवाइड करके देखना चाहिए वो होना चाहिए 7। लेकिन ये जो नंबर 29 है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि अगर हम 5 स्क्वायर करें तो ये 25 होता है, और ये 29 से छोटा है, इसीलिए हमने 5 से तो डिविजिबिलिटी इसकी टेस्ट कर ली है। लेकिन जब आप इसकी 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो 7 × 7 49 होता है, जो कि लेस देन 29 नहीं है, या लेस देन और इक्वल टू 29 नहीं है। इसलिए आपको इसको 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर्स अगर हमें फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है कि हमें सीव ऑफ हिरोथिनस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर्स को या प्राइम नंबर्स को फाइंड करने के लिए। सीव ऑफ हिरोथिनस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमने एक नंबर लिया, पिक किया, तो उसके सारे मल्टीपल्स को डिलीट कर दीजिए, नेक्स्ट प्राइम नंबर लीजिए उसके सारे मल्टीपल को डिलीट कर दीजिए, और जो आप नंबर्स को पिक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी के लिए वो आप केवल अंडर रूट एन तक ही पिक कीजिए। तो अगर आपका नंबर 29 है तो आपको क्या करना है, इसका प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए केवल अंडर रूट एन तक ही चलना है। तो इसलिए जिससे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आई हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहा है, सो i × i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, तभी तक आप इसको टेस्ट करेंगे। इसके बाद फर्दर इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस सम 145 को देखें तो ये 5 से डिवाइड होकर हमें नंबर 29 दे रहा है, और 29 दे रहा है तो हमने मान लिया कि प्राइम 5 प्राइम फैक्टर है। नेक्स्ट जो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे वो 7 से करेंगे, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर हमारा 29। और एक चीज़ और है कि हमें 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 7 × 7 हमारा 29 के लेस देन और इक्वल टू नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है उसमें इंश्योर करना है कि जिस नंबर से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं उसका जो स्क्वायर है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर n। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सीव ऑफ हिरोथिनस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और सीव ऑफ हिरोथिनस का कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि हमें प्राइमेलिटी टेस्टिंग जो करनी है वो केवल अंडर रूट एन तक करनी है, इसके बाद हमें प्राइमेलिटी टेस्टिंग नहीं करनी है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। और ये हमारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का प्रोग्राम है। हम इसको स्क्रैच से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको यहीं से समझ लीजिए। हमने क्या किया है कि सबसे पहले नंबर को इनपुट करा लिया है, और नंबर को इनपुट कराने के बाद हमने उस नंबर को मॉडुलस पे 2 करके देख लिया है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर लेते, 2 को मान लेते हैं कि इसका ये प्राइम फैक्टर है, और उसके बाद फिर इस नंबर को रिड्यूस कर देते हैं, n = n/2 कर देते हैं। मतलब अगर 18 है तो उसको हम 9 कर देंगे, अगर 36 है तो हम उसको 18 कर देंगे, देन 18 को फर्दर हम जो है क्योंकि डिवाइड हो जाएगा ये नंबर 2 से तो उसको हम 9 कर देंगे। तो जब तक ये नंबर 2 से डिवाइड होता रहेगा तब तक डिवाइड करते रहेंगे और उसको प्राइम फैक्टर मान के प्रिंट करते रहेंगे। फिर इसके बाद हमें केवल ऑड नंबर की टेस्टिंग करनी है, इसलिए हमने i = 3 लिया है, और यहाँ पे हमने i = 3 की टेस्टिंग वाले कर लिया कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जब तक ये नंबर 3 से डिवाइड होता रहेगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे और 3 को प्राइम फैक्टर मानते रहेंगे। सो i = 3 है, एंड मॉडुलस i = 0, इसका मतलब कि नंबर ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। तो हमने i की प्रिंटिंग कर दी, मतलब 3 की प्रिंटिंग कर दी है, और नंबर को 3 से डिवाइड करके रिड्यूस कर दिया। इस टास्क को हम करते रहेंगे लगातार, और इसके बाद
इसके बाद जो हमारा नंबर है, जब हम थ्री से हमने टेस्टिंग कर लिया, तो थ्री से टेस्टिंग के बाद हम इसकी फाइव से टेस्टिंग करेंगे। तो फाइव से टेस्टिंग करने के लिए आई इक्वल्स टू आई प्लस टू कर देंगे। अब इसको हमें फोर से डिवाइड नहीं करना है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टू का मल्टीपल सब हमें चेक नहीं करना है। तो ये अगर नेक्स्ट नंबर फाइव से डिवाइड होगा तो उसको जब तक डिवाइड होता रहेगा तब तक डिवाइड करते रहेंगे और फाइव को हम प्रिंट करते रहेंगे। फिर हम सेवन को पिक करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन की हमारा जो आई स्क्वायर है वो लेस देन और इक्वल टू एन होना चाहिए, क्योंकि हमें प्राइम नंबर ही फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर ही फाइंड करना है। इसलिए सी वो फिर होते हैं, इस कॉन्सेप्ट कहता है कि अंडर रूट एन तक ही आप इसकी टेस्टिंग करिए। इसके बाद जब हमारा नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लास्ट में टेस्ट कर लेते हैं कि अगर नंबर वन हो गया है तब तो वो प्राइम फैक्टर होगा नहीं। लेकिन जैसे 145 के केस में हमारा एन 29 पे रुक जा रहा था, तो 29 भी इसका प्राइम फैक्टर होगा क्योंकि 29 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो हम उसको भी प्रिंट करेंगे। तो जो एन है अगर वो ग्रेटर देन वन है तो हम उसकी प्रिंटिंग करेंगे और ये भी हमारा प्राइम फैक्टर होगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमने 135 लिया, तो 3335 27 मल्टीप्लाइड विथ 5 135 आता है आंसर। फिर इसकी हम टेस्टिंग कर लेते हैं 145 के लिए। आप चेक कर सकते हैं कि 5 और 29 ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हुए। फिर इसके बाद हम एक नंबर और लेते हैं, लेट्स से हमने 136 नंबर लिया है, तो आप चेक कर सकते हैं कि 2 2 2 और 17 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये ऐसा हमने, अगर हम इसको देखें कि 136 को हमने कैसे टेस्ट किया होगा, तो 136 2 से डिवाइड होता होगा तो ये 68 हो गया, फिर ये फर्दर 2 से डिवाइड होता होगा तो 34 हो गया, 34 2 से डिवाइड होता है इसलिए 17 हो गया, फिर 17 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमने नेक्स्ट लूप में चले और 3 से डिवाइड करने की कोशिश किया। सबसे पहले हमने ये टेस्ट कर लिया कि क्या 3 × 3 लेस देन और इक्वल टू 17 है, यस है, तो हमने 3 से डिविजिबिलिटी इसकी टेस्ट की। फिर हमने 5 3 से डिवाइड नहीं हुआ था, फिर हमने 5 के बारे में सोचा, तो ये 5 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 5 × 5 लेस देन और इक्वल टू 17 है। नहीं, ये नहीं है, इसका मतलब कि 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं करना चाहिए। जो नंबर आपके पास बच गया है वो प्राइम नंबर ही है, आप उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दीजिए, मतलब 17 को आपने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का छोटा सा प्रोग्राम है। आई होप आपके समझ में आया होगा। विल कम अगेन विद दी other concept. Thank you so much for watching.